दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अंग्रेजों को पानी पिलाने वाली शार्दुल ठाकुर ने तो इस मुकाबले में अलग ही कीर्तिमान रच दिया, जिसको देखने के बाद तो भारतीय खेमा भी तालियों से गूंज उठा। लेकिन मैच के बाद शार्दुल ठाकुर ने अपने बयान में अपनी कामयाबी का सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया और उन्होंने धोनी के लिए ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर तो आप धोनी को सलाम करेंगे। चलिए बताते हैं आपको शार्दुल ठाकुर ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और एबी डिविलियर्स में कौन है बढ़िया सिक्सर किंग? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर एक बार फिर से गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में इतनी खराब रही कि भारतीय टीम ने 69 रन के स्कोर पर अपने चार बड़े बल्लेबाज खो दिए। उसके बाद विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच में एक छोटी सी साझेदारी जरूर हुई। विराट कोहली 50 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत भी सस्ते में आउट हो गए और भारतीय टीम ने सिर्फ 127 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खो दिया। उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने तो सभी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और शार्दुल ठाकुर तो शुरुआत से ही इस तरह बल्लेबाजी करते हुए नजर आए मानो T20 क्रिकेट खेल रहे हों। पहले तो शार्दुल ठाकुर ने एक ओवर में लगातार दो शानदार चौके लगा दिए और उसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में 57 रन ठोक डाले। शार्दुल ठाकुर के इस बल्लेबाजी के आगे तो सभी गेंदबाज पूरी तरह से लाचार नजर आए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने इस टेस्ट मुकाबले को T20 क्रिकेट बना दिया। उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसके बाद भारतीय टीम 151 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के बाद जब इंटरव्यू के दौरान शार्दुल ठाकुर से उनकी इस धाकड़ बल्लेबाजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका सारा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दे डाला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने ये सब धोनी से सीखा है, क्योंकि धोनी के बाद मैंने IPL में काफी क्रिकेट खेली है और मैं उन्हीं की टीम का हिस्सा रहा हूं। उन्होंने मुझे मैच फिनिश करना सिखाया है और आपको मुश्किल परिस्थिति में किस तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए ये मैंने धोनी से ही सीखा है। धोनी हमेशा से ही मुझे मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी करने सिखाते रहे हैं और उन्होंने एक बार इस बात का जिक्र किया था कि अगर आपकी टीम ज्यादा ही दबाव में हो तो आपको उस मुश्किल परिस्थिति में तेज गति से बल्लेबाजी करनी चाहिए, जिससे सारा दबाव गेंदबाजों के ऊपर आ जाता है और आप रन बनाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। और धोनी की बात मैंने आज मुश्किल परिस्थिति में फॉलो की। जब हमारी टीम 126 रन के स्कोर पर 7 विकेट खो चुकी थी, मैंने धोनी की तरह उन्हीं के अंदाज में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों की पिटाई लगाई। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि सारा परिणाम हमारे पक्ष में रहा। धोनी की इस बात से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि धोनी को क्रिकेट की बहुत करीबी समझ है और उन्होंने कई खिलाड़ियों का करियर बनाया है और मैं अपने आप को उनमें से एक मानता हूं और मैं अपनी सारी कामयाबी का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से शार्दुल ठाकुर ने महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए अपनी कामयाबी का सारा श्रेय धोनी को दे डाला, आप सभी धोनी की महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।